इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड कि हमने डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए क्या किया, उनके ग्रुपिंग कर दी और उन ग्रुप्स को क्या बोला हमने, उन ग्रुप्स को बोला हमने कैटेगरीज। अब क्योंकि ये जो कैटेगरीज है दे आर एसोसिएटेड विद द टैक्सोनॉमी। क्या था टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी था टू स्टडी डाइवर्सिटी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि ये सारी जो कैटेगरीज है वो किससे साथ एसोसिएटेड है, दैट इज विद द टैक्सोनॉमी, तो हमने इनको बोल दिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है हमने उनको अरेंज कर दिया इन डिसेंडिंग सीरीज, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो कितनी कैटेगरीज थी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी थी? 8 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज थी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्लिगेट कैटेगरीज ही डिस्कस कर ली है। तो आज हम करेंगे कि ये जो हमने 8 कैटेगरीज की, ये जो 8 कैटेगरीज है ये है क्या चीज। तो क्योंकि पूरी बच्चे जो मॉर्फोलॉजी है ना आपकी, पूरी एनिमेलिया, पूरी प्लांटी एंड एनाटॉमी, दे आर उनका ये सबका बेस है मॉर्फोलॉजी का, प्लांटी का, एनिमेलिया का एंड एनाटॉमी में भी हम एग्जांपल्स करते हैं तो वहां पे भी, तो इनका सबका ये बेस है। स्पेशली जैसे प्लांटी, एनिमेलिया एंड मॉर्फोलॉजी, वहां पे तो हर जगह पे ये आएगा ही आएगा, बेसिक चीज है। तो हमने कौन कौन सी की थी कैटेगरीज? हमने कैटेगरीज की थी किंगडम, डिवीजन या फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो हम चलते हैं फ्रॉम, शुरू करेंगे लोअर मोस्ट कैटेगरी, दैट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या चीज है? स्पीशीज है जो, इसको हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है, इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, नोट कर लो इसको डेफिनेशन को, विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है बच्चे, तो स्पीशीज क्या है हमने बोला, ये ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और नेचर की तरफ से वो इंटरब्रीड करते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे आगे उनके जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला, स्पीशीज बोला। जैसे बच्चे हम पूरे जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स है सबको देखें तो सारे क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये काला गोरा तो चलता रहता है ना, बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। तो जो उनके बच्चे होंगे आगे फिर से क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, तो उनको हमने बोल दिया स्पीशीज। तो स्पीशीज है जो दैट इज लोअर मोस्ट रैंक में है ना, बट हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म है जो वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर है, उनके सारे बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो वो मिलते जुलते हैं। तो स्पीशीज लीस्ट कैटेगरी है, लोअर मोस्ट कैटेगरी है, बट इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनके बेसिक फीचर्स क्या है, आपस में मिलने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, बेसिक फीचर्स क्या है उनके सबके मिलते हैं। तो स्पीशीज लोअर मोस्ट इन रैंक, बट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मैक्सिमम किस में मिलेंगे, स्पीशीज में मिलेंगे, आपस में ऑर्गेनिजम्स के आपस में कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स है जो वो क्या है, स्पीशीज में सबसे ज्यादा मिलेंगे। देन फिर हमें आ गया दैट इज जीनस है ना, तो हमने बोला कि जब हमने स्पीशीज को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, जीनस बन गया। एग्जाम्पल्स मैं बाद में करवाती हूँ, पहले सिंपली इनकी डेफिनेशन सुन लो। दैट इज, अब जीनस क्या हुआ, जीनस हो गया
ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। मतलब एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आएंगे, एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आ गई। हो सकता है कहीं में एक स्पीशीज भी होते, जैसे ह्यूमन बींग उनके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज है, लिविंग स्पीशीज एक ही है, दैट इज सेपियंस। तो होमो सेपियंस हमारा नाम है, जोलॉजिकल नेम ह्यूमन बींग्स का है होमो सेपियंस, उसमें एक ही स्पीशीज है। बट बहुत रेयर होता है कि एक जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज हो, ज्यादातर एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो वो प्रेजेंट होगी। फिर आगे फैमिली, फैमिली क्या होगी, फैमिली हो गई ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड जेनरा, फैमिली हो गई ग्रुपिंग ऑफ या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, तो हमने उसको बोल दिया फैमिली, ठीक। एंड देन ऑर्डर हो गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑर्डर हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अभी एग्जांपल करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। फिर आ गया क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, फिर क्या आ गया डिवीजन या फाइलम, डिवीजन या फाइलम क्या हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। और फिर आता है किंगडम, किंगडम इज टॉप मोस्ट एट हायरार्की, इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइला और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिवीजंस। तो इनमें बच्चे सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है कि अब किंगडम है ना, तो किंगडम में हम कहते हैं कि पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है हमने फाइव किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, वो हम करेंगे वनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो फाइव किंगडम्स में पूरा लिविंग वर्ल्ड है जो उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जब पूरा लिविंग वर्ल्ड है जो वो फाइव किंगडम्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पूरा वर्ल्ड आ गया ना, दैट इज लिविंग वर्ल्ड पूरा का पूरा किंगडम में आ गया। तो जितना रैंक हायर है, हायर द रैंक मोर इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए ज्यादा हो गए। बट जैसे हम कहते हैं कि किंगडम प्लांटी, तो प्लांटी किंगडम प्लांटी में हमने सारे प्लांट्स रख दिए, तो सारे प्लांट्स के क्लोजली रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है वो कम होंगे ना, एज कंपेयर टू स्पीशीज या डिवीजन या क्लास या ऑर्डर। तो जितना रैंक हाई है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, एंड लेस इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स जो उनके हैं उनका नंबर क्या होगा कम होगा। जैसे मैंने बोला आपको कि हमने किंगडम प्लांटी ले लिया, तो किंगडम प्लांटी जब लिया तो सब किंगडम प्लांटी के नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या है कि वो ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है, न्यूट्रिशन में और मल्टीसेलुलर है। अब अगर हम इंडिविजुअल, जैसे हम हिबिस्कस शू फ्लावर की बात करें या कोई हम उसकी सनफ्लावर की बात करें, तो उसके उसके रिलेटेड अगर हम कुछ प्लांट्स और लेते हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे और किंगडम में कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए कम होंगे। जो स्पीशीज है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नॉट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये कम होंगे। कम क्या है ही नहीं, सारे क्या है क्लोजली रिलेटेड है, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए मोर हो गए। कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए मोर हो गए। तो यहाँ पे बेटे आपको एक जैसे एमसीक्यूज करोगे तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग
shows more number of common characters. Which of the following shows more number of common characters? जैसे क्लास, बी ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है क्लास, बी ऑप्शन है फैमिली, सी ऑप्शन है किंगडम एंड डी ऑप्शन है आपके पास दैट इज ऑर्डर। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इन सब में से कॉमन कैरेक्टर्स किसके पास ज्यादा हैं। तो हमने बोला जितना रैंक लोअर, ठीक है, लोअर इज द रैंक, मोर इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो अब हमने देखना है इनमें से किसका रैंक है जो वो लोअर है। क्या था? कीप, पॉट्स, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट्स, सिक, है ना। तो हमने यहां से देखना है दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली। तो लोअर मोस्ट रैंक किसका आ गया? फैमिली का। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? फैमिली। दैट इज इन सब में देखो, इसके ऊपर यहाँ पड़ा है ऑर्डर, इसके ऊपर फिर क्लास है, फिर फाइलम है। तो हमने कहा कि जिसका रैंक जितना लोअर है उतने उसके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जितना रैंक हाई हो गया नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बढ़ता जाएगा और कॉमन कैरेक्टर्स कम होता जाएगा। क्लियर इतना? ठीक, तो अब हम करते हैं इसको विद एग्जांपल। सपोज बेटे देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं किसकी, जैसे एक ये हम चलो एनिमल्स की ले लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास पैंथेरा, लियो, पैंथेरा लियो। तो जो पैंथेरा लियो है इसमें पैंथेरा इसका जीनस है और लियो क्या है? इसकी स्पीशीज है। दैट इज नाम किसका है? ये लॉयन का। पैंथेरा लियो, पैंथेरा में पैंथेरा जीनस है, स्पीशीज क्या हो गई? लियो। किसका नाम है? लॉयन का। तो हमने लिखा लियो, लियो स्पीशीज है, जीनस क्या है उसका? पैंथेरा। अब हमने क्या बोला कि जो जीनस है दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो अब जो है दैट इज लॉयन होता है, टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, तीनों क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। तो तीनों का जीनस क्या हो जाएगा? सेम, दैट इज पैंथेरा लियो इज लॉयन, पैंथेरा टाइग्रेस इज टाइगर, पैंथेरा लियोपार्डी इज लेपर्ड, है ना। तो देखो तीन स्पीशीज और जीनस क्या है? एक, दैट इज पैंथेरा। अब अगर आपको लॉयन, टाइगर और लेपर्ड है आपके सामने तो तीनों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना बेस्ड अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब समझ आया ना, है ना। तो जीनस क्या है? अब अगर सारे लॉयन इकट्ठे हुए हो तो वो क्या है? सारे एक ही स्पीशीज को बिलोंग करेंगे, दैट इज पैंथेरा लियो। अब लियो है जो वो टाइगर के साथ इन नेचर इंटरब्रीड नहीं करते, लॉयन और टाइगर्स की इंटरब्रीडिंग नहीं होती या उनकी इंटरब्रीडिंग लैपर्ड से भी नहीं होगी। इंटरब्रीडिंग लॉयन की लॉयन से है, टाइगर की टाइगर से है, लैपर्ड की लैपर्ड से, चाहे वो देखने में कितने ही सिमिलर। इतना क्लियर? तो ये क्या हो गया? जीनस हो गया पैंथेरा, स्पीशीज हो गई लियो, इसी की दैट इज हमने बोला इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो पैंथेरा की तीन स्पीशीज हमने कर दी, लियो, टाइग्रेस एंड लेपार्डी। अब आगे इनकी दैट इज फैमिली, फैमिली है जो वो हमने बोला फैमिली है जो वो हो गई ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो बहुत सारे जीनस है जो इसमें आ जाएंगे, जैसे ये हमने ले लिया लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड, ऐसे ही कैट है,
डॉग है, कैट है, डॉग है, ठीक है। तो कैट है जो इसका जीनस होता है फेलिस और डॉग का होता है कैनिस। तो जो बहुत सारे दैट इज जेनरा है जो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बनेगी, फैमिली। अब जो कैट है वो आती है फैमिली फेलिडी में और जो डॉग है वो आता है फैमिली कैनिडी के अंदर। तो जो ऑर्डर है वो हो गया रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज हो गया ऑर्डर। तो जब हमने ऑर्डर किया तो इसमें आ गई कौन कौन सी, जैसे हम कहें कि यहाँ पे ऑर्डर है कार्निवोरा, कार्निवोरा से सारे ये ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। इनके अंदर फैमिली हो गई फैलिडी हो गई कैनिडी हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब क्लास आ गई, क्लास क्या है, क्लास इज रिलेटेड ऑर्डर। जैसे इनकी क्लास होगी मेमिलिया, तो मेमिलिया क्लास में सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होगा, मेमिलिया क्लास में आगे दैट इज मैमल्स आ जाएंगे सारे, जिसमें मंकीज है, गिबन्स है, एप्स है, देन रैट्स है, स्क्विरल्स है, बहुत सारे आते हैं। तो कार्निवोरा हो गया एक ऑर्डर हो गया, प्राइमेटा हो गया, रोडेंशिया हो गया, रोडेंट्स का, माउस का रोडेंशिया हो गया। तो जब ये सारे ऑर्डर इकट्ठे हुए तो क्या बन गई, क्लास बन गई, दैट इज मेमिलिया क्लास, मैमल्स बन गए। अब आ गया फाइलम, ठीक है। तो फाइलम कौन सा है, क्योंकि इन सबके क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो फाइलम हो गया कॉर्डिटा, फाइलम हो गया कॉर्डेटा। और किंगडम कौन सी हो गई, किंगडम हो गई एनीमिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो जैसे हमने कहा कि स्पीशीज में सिर्फ जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिमिलर काइंड के हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। फिर जीनस हो गई असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली हो गई असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो इस जीनस, ये पैंथेरा जीनस है, इसके अलावा फेलिस है, देन कैनिस है, ये सारे इसी अलग अलग जीनस हो गए। फेलिस हो गया एक जीनस, एक जीनस हो गया कैनिस, ये अलग अलग जीनस है, इनके अलग अलग स्पीशीज होगी। फिर इनकी फैमिली बन गई फेलिडी एंड कैनिडी। फिर इनका ऑर्डर बन गया कार्निवोरा, इनका ऑर्डर बन गया कार्निवोरा। ऑर्डर्स है जो क्लास में मिली है, उसमें और भी ऑर्डर्स है, बहुत सारे ऑर्डर्स है, 10-11 ऑर्डर्स है, हमने तीन लिखे हैं, कार्निवोरा, प्राइमेटा, रोडेंशिया एक्सेट्रा। क्लास होगी मेमिलिया, मेमिलिया है जो वो कॉर्डेटा के अंदर रहेगी और कॉर्डेटा आ गया अंदर, दैट इज एनिमिलिया के अंदर, ठीक। देन ऐसी हम एक एग्जाम्पल किसकी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स की, इन केस ऑफ प्लांट्स ये लिख लो बच्चे, लिखना है तो। वैसे हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के केस में अगर हम बच्चे करते हैं, दैट इज प्लांट्स में कोई भी हम प्लांट लेते हैं, सबसे पहले किंगडम, किंगडम में उनकी कौन सी प्लांटी, किंगडम में उनकी प्लांटी। और डिवीजन प्लांटी के अंदर दो ही डिवीजन है, डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी। तो हम अगर डाइकोटिलेडनी की हमने लिखनी हो, डिवीजन क्या है, डाइकोटिलेडनी, ठीक है। देन क्लास, क्लास है जो हम पहले नीचे से अब शुरू करते हैं, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज जैसे हम क्या ले लें, एक नाम ले पोटैटो, तो पोटैटो का बोटैनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम।
क्या लगता है आपको इसमें कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज है? यस, ये स्पीशीज है और ये क्या है, जीनस है। तो ट्यूबरोसम स्पीशीज हो गई और इसका जीनस क्या हो गया, सोलेनम। अब इस जीनस में और भी स्पीशीज होनी चाहिए, तो ऐसे ही ब्रिंजल भी इसी फैमिली का मेंबर है। ब्रिंजल हो गया सोलेनम मेलनजीना। ऐसे ही एक वीड होता है मकोए, सोलेनम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजीना एंड सोलेनम डायग्राम। तीन स्पीशीज ऑफ दी जीनस एक ही है, दैट इज सोलेनम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, देन मेलनजीना है, देन नाइग्रम है। तीन डिफरेंट स्पीशीज, जीनस हो गया सोलेनम। देन फैमिली क्या हुई, फैमिली हुई दैट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जेनरा। जैसे फैमिलीज की हो गई सोलेनेसी, तो उसमें सिर्फ सोलेनम नहीं आएगा, उसमें और भी जीनस आए हैं। जैसे टमाटर भी उसके अंदर है, लाइकोपर्सिकम। ये नाम नहीं याद करना आपने, विथानिया ये भी कुछ नहीं अभी याद करना, ऐसे ही मैंने दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, चिल्लीज है तो उसमें चलो कॉमन नेम भी देते। तो इसके अंदर टमाटो भी आता है, इसी फैमिली के अंदर टमाटो भी आएगा, देन चिल्लीज भी आएंगी, देन कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी आएंगे, अश्वगंधा भी आएगा। तो वो सारे प्लांट्स हैं जो उनके जनरा अलग अलग होंगे, बट फैमिली एक ही है, क्योंकि वो कुछ कैरेक्टर्स कॉमन शो करते हैं, दैट इज सोलेनेसी फैमिली आ गई। फिर आ गया ऑर्डर, ऑर्डर है असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इसका ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स। जैसे सोलेनेसी फैमिली हो गई, एक कन्वॉल्व्यूलेसी फैमिली होती है वो भी इसी के अंदर आएगी, तो पॉलीमोनियल्स। फिर आ गई क्लास, तो जो यहाँ पे जो क्लास है ना, अपने दो ही क्लासेस हैं एंजियोस्पर्म्स की, दैट इज डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी। तो इसकी क्लास है डाइकोटिलेडनी और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। क्योंकि प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब कुछ आता है, तो इसकी डिवीजन क्या हो गई, एंजियोस्पर्मी। अब बच्चे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स की ना क्लासिफिकेशन करनी है, वो काफी इम्पोर्टेंट है, हर बार उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपको। तो हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास है चाहे बच्चे इधर से लिखना शुरू कर दो, दैट इज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन किसकी, वीट की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वीट। जो वीट है ना बेटा, इसका नाम होता है ट्रिटिकम, इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना है, ये वीट का बोटेनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसकी स्पीशीज कौन सी हुई, एस्टिवम। जीनस कौन सा हुआ, ट्रिटिकम। तो स्पीशीज हो गई, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर ना बेटे ऐसे ही बट स्मॉल,
ये हम बाद में करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एस्टिवम क्रिटिकम, जो इसकी फैमिली है, जो इसकी फैमिली है वो होती है ग्रैमिनी। पुराना नाम था ग्रैमिनी, नाउ डेज इसको हम बोलते हैं पोएसी। ठीक है, नाउ डेज इट इज नोन एज पोएसी। तो देखो जितनी भी फैमिलीज हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस में जितनी भी फैमिलीज हैं उनके पीछे जो वर्ड जो सफिक्स लगता है ना, दैट इज एसी, सोलेनेसी, कन्वॉल्यूलेसी, पोएसी। तो ये सफिक्स लगता है एसी। ठीक, फिर आ गया ऑर्डर। ऑर्डर है जो इसका, ऑर्डर है पोएल्स। ऑर्डर क्या है? पोएल्स। इस केस में ऑर्डर हो गया पोएल्स। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि प्लांट्स के केस में ऑर्डर के पीछे हमेशा सफिक्स लगता है एल्स, पॉलीमोनियल्स, पोएल्स, एल्स लगेगा सफिक्स। फिर आ गया क्लास। क्लास कौन सी? ये मोनोकॉटिलिडनी है, मोनोकॉटिलिडनी। डिवीजन कौन सी? एंजियोस्पर्मी। और किंगडम कौन सा? किंगडम आगे इसकी प्लांट। एक बच्चे, तो ये हमने किसकी लिखी क्लासिफिकेशन? हमने लिखी वीट की। सेकंड लिखते हैं हम मैंगो की। तो जो मैंगो है, मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो स्पीशीज क्या हुई? इंडिका। जीनस क्या हुआ? मैंजीफेरा। इसकी फैमिली है जो, फैमिली क्या हुई इसकी? इसकी फैमिली होती है एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। फैमिली इसकी एनाकार्डिएसी। ऑर्डर है सेपिनडेल्स, ऑर्डर है सेपिनडेल्स। क्लास डाइकोटिलिडनी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, किंगडम। इजी, अब कुछ समझ आने लग गया ना। तो मैंगो का बोटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी। अब फिर से पीछे एसी लगाना तो फैमिली एसी सफिक्स से एंड होती है। एल्स लगाना सेपिनडेल्स, ठीक है। देन डाइकोटिलिडनी, क्लास है जो नी से एंड होती है, एन ए ई से एंड होती है। एंड डिवीजन है वो स्पर्मी से एंड होगी। एंड देन किंगडम हो गया प्लांट। अब हम एक दो एग्जांपल्स किसकी कर ले, इन केस ऑफ जूलॉजी की एक दो एग्जांपल्स करते हैं। मैन, मैन, तो मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। इसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज है, सेपियंस हो गई स्पीशीज, होमो हो गया इनका जीनस। ठीक है, जो फैमिली है, फैमिली हो गई होमिनिडी, होमिनिडी। क्लास, ऑर्डर हो गया इनका प्राइमेटा। क्लास हो गई मैमिलिया। फाइलम हो गया इनका, दैट इज कॉर्डेटा, और डेटा। किंगडम हो गई एनीमिलिया। अगली एग्जांपल हम लेते हैं किसकी? हाउस फ्लाई की।
अगली एग्जांपल है हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई हो गया मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका स्पीशीज, मस्का इसका जीनस हो गया, मस्का हो गया इसका जीनस। जो इसकी फैमिली है, फैमिली होती है मस्क की। जो जूलॉजी है ना बेटे, उसमें कुछ ऐसे सफिक्सेस कुछ फिक्स नहीं होते, बट इसमें फैमिली के पीछे डी डी ए ई पड़ता है, एंड विद सफिक्स डी ए ई इन केस ऑफ जूलॉजी। ऑर्डर हो गया इसका डाइपटेरा, ऑर्डर हो गया डाइपटेरा। क्लास होगी इंसेक्टा, फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, और किंगडम हो गई एनिमिलिया। ठीक बच्चा, तो हाउस फ्लाई की होगी मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका देन जीनस मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डाइपटेरा, क्लास इंसेक्टा, डिवीजन या फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड किंगडम हो गई एनिमिलिया। तो बच्चों हमने आज डिस्कस किया दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज along with some example. तो ये जो example हमने लिखी है यहाँ पे, they are given in NCERT at page number 11. तो वहां पर पूरा टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, ये लर्न कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर में। पहले मैं सुनूंगी, लाइव क्लास लगाएंगे हम एक दिन, तो तब तक मैं तुम लोग ये लर्न कर लो, इसको मैं सुनूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर।